छोटी सी मशीन के द्वारा आप तरह तरह के काम कर सकते हैं। YMC कोड होता है, इस टाइप का ये रिबिन होता है, कभी ड्राई नहीं होता, ठीक है। आप अगर इसको 2 महीने बाद भी यूज करोगे एज इट इज, आपका रिबिन एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये इनपुट ऑपर है, इसमें हम अगर कार्ड की कैपेसिटी है 100 कार्ड, अगर इसको क्लोज करके और अगर इसको ओपन करके रखते हैं तो हम 200 कार्ड इसमें एक साथ फिट कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल ID प्रिंट कर सकते हैं, आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, पैन कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, ऐसे तमाम काम आप कम कॉस्टिंग के अंदर इसके द्वारा कर पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है 1 साइड 17 सेकंड होती है। दोस्तों आज हम आपको इतनी कमाल की मशीन के बारे में जानकारी देंगे, इस छोटी सी मशीन के द्वारा आप तरह तरह के काम कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक ब्लैंक PVC कार्ड आता है इस तरीके का, और ये आप इस मशीन के अंदर रखते हैं तो उसके द्वारा आप स्कूल ID प्रिंट कर सकते हैं, आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, पैन कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, ऐसे तमाम काम आप कम कॉस्टिंग के अंदर इसके द्वारा कर पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मशीन की कीमत क्या है, कौन कौन से मॉडल आते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, सर हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सर नमस्कार, सबसे पहले तो सर आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, क्या आपका नाम है और कंपनी का क्या नाम है। सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार सैनी है और कंपनी का नाम है अलंकित लिमिटेड, ठीक है, जो PVC कार्ड प्रोवाइड कराती है। ये मशीन जो है कोरियन ब्रांड है, ठीक है, और इस मशीन में 2 मॉडल आते हैं, एक है 310D और एक है 510D। ये 310D है, ये ड्यूअल साइड प्रिंटर होता है, आप ड्यूअल साइड प्रिंटिंग कर सकते हो, सिंगल साइड प्रिंटिंग कर सकते हो, और इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है 1 साइड 17 सेकंड होती है, ठीक है, और ड्यूअल साइड में आप 34 सेकंड में आप ड्यूअल साइड प्रिंट कर सकते हो। इस मशीन के थ्रू आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड्स, मल्टीपल कार्ड आप प्रिंट कर सकते हो। ये जो मशीन है सर, सबसे पहले इसका मैगजीन दिखाइए, मैगजीन दिखा देते हैं मैं इसका मैगजीन में। ये इसका रिबिन होता है, ड्राई सिलेंडर रिबिन होता है, जिसमें YMC कोड होता है, इस टाइप का ये रिबिन होता है, कभी ड्राई नहीं होता, ठीक है। आप अगर इसको 2 महीने बाद भी यूज करोगे एज इट इज, आपका रिबिन एज इट इज रहेगा, ठीक है, ना ही ये इंकजेट है ना ही ये लेजर है। एक बार डालने के बाद कितने विजिटिंग कार्ड या आधार कार्ड प्रिंट कर देगा? एक बार डालने के बाद 250 कार्ड एक रिबिन प्रिंट करता है, 250 कार्ड। एक कार्ड की मोटा मोटी रफ एवरेज 10 रुपये पड़ती है एक प्रिंटिंग कॉस्ट की। अब मार्केट में आप उसे 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। इसका ये मैं हेड जो देख पा रहा हूँ, ये शायद प्लास्टिक का है। बिल्कुल ये प्लास्टिक का है, ठीक है, इसका प्रिंट हेड है, ठीक है। प्रिंट हेड की जो लाइफ है 25,000 कार्ड प्रिंट कर सकते हैं आप इससे, ठीक है, इसकी जो लाइफ कंपनी की तरफ से होती है। अच्छा, ये मॉडल की कीमत क्या रहेगी सर? इसकी जो कीमत है मार्केट में 45 प्लस GST को आपको मिलेगा, ये 45,000 प्लस GST प्लस GST। इसमें कार्ड कहाँ पर रखा जाता है प्रिंटिंग का? सर ये इनपुट हॉपर है, यहाँ हम प्लेन कार्ड रखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये प्लेन कार्ड ये देख पा रहे हैं, बहुत साइड आपके नॉर्मल कार्ड है, यहाँ पर रखेंगे। कंप्यूटर के अंदर जो भी डिजाइन होगा वो इस पे ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा। बिल्कुल, ये निकलेगा कहाँ से फिर प्रिंट होके? ये नीचे से निकलेगा, ये आउटपुट होकर इसको बोलते हैं, ठीक है। जब प्रिंटर के अंदर प्रिंट होने के बाद ये आउट यहाँ से होगा, ठीक है। और इसे हम लैपटॉप के द्वारा अटैच कर सकते हैं? बिल्कुल, इस मशीन को हम लैपटॉप के USB कनेक्टिविटी के लिए हम 2 सोर्स होते हैं, एक होता है इथरनेट कार्ड जो नेटवर्क के थ्रू हम कर सकते हैं, दूसरा USB के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो USB पोर्ट होता है इसके पैकेट में होता है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ USB पोर्ट होता है, यहाँ इसका पावर, ठीक है, ऑन ऑफ बटन लगता है, ठीक है, यहीं इसके नीचे हमने एक ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, आप इसको। तो सर दो दूसरा मॉडल हम देख पा रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, ये मॉडल और इस मॉडल में फ़र्क क्या पड़ गया और कितनी कॉस्टिंग का उसमें फ़र्क आएगा? यहाँ पर अब हम आपको दूसरा मॉडल दिखाएंगे और उसमें फ़र्क बताएंगे क्या है। ठीक है, ये हमारा मॉडल था 310D, इसके बाद हमारा ये 510D मॉडल है, ठीक है, जो मॉडल है इसमें डिफरेंस आप देखोगे तो इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है, ठीक है, एनी एरर आता है तो आप डिस्प्ले के अंदर आप शो कर सकते हो। ये इनपुट ऑपर है, इसमें हम अगर कार्ड की कैपेसिटी है 100 कार्ड, अगर इसको क्लोज करके और अगर इसको ओपन करके रखते हैं तो हम 200 कार्ड इसमें एक साथ फिट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको पुश कर देंगे बटन तो ये आपका सामने आपको जो दिख रहा है वो प्रिंट हेड है, ठीक है। इसके बाद ये रिबिन का कार्ट्रिज होती है, इसमें हम रिबिन लगा देते हैं, इसमें भी फुल पैनल और हाफ पैनल 2 रिबिन आते हैं इसके अंदर। फुल पैनल में आप
वन साइड अगर प्रिंटिंग करना चाहते हो तो 250 कार्ड्स वन साइड प्रिंट होंगे, और अगर डुअल साइड प्रिंटिंग करना चाहते हो तो 125 कार्ड आपके प्रिंट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें फ़र्क ये हो गया है कि यहाँ तक तो डिस्प्ले है, दूसरा इसको मोबाइल के द्वारा अटैच किया जा सकता है, उसमें ऐसा नहीं था। और इसमें इस 510 में आप इसको अपग्रेड करा सकते हो, उसमें वाईफाई हम इनबिल्ट कर देंगे। अच्छा, जो आप मोबाइल से डायरेक्ट आपको प्रिंटिंग कमांड दे सकते हो और आपको प्रिंट मिल सकता है। दोनों में प्राइसिंग का कितना डिफरेंस होगा कीमत का? एक्चुअली क्या इसकी प्राइस है 55,000 प्लस जीएसटी। ठीक है, 55,000 प्लस जीएसटी प्लस जीएसटी। और सर क्या कोई डेमो भी दिखा सकते हैं प्रिंट करके? अगर मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, आप अजीत उस साइड जाइए और लैपटॉप में दिखाइए कि किस तरीके से डिजाइनिंग होती है। हमारा 1050 मैं आपको प्रिंट करके डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आप ये प्रिंटर परचेज करते हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको एक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं। ओके, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें हमने एक डिजाइन बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन इसमें क्रिएट कर सकते हो, जैसे ऑफिस की रिक्वायरमेंट है या कॉलेज स्कूल की, उस हिसाब से आप इसके अंदर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं आपको एक प्रिंट देके दिखा रहा हूँ, ये हम प्रिंट दे रहे हैं इस पर। ओके किया, ये सामने से ये कार्ड इंसर्ट होगा, ये मशीन अटैच है इसके साथ, इसमें प्रिंटिंग चालू है और इसमें भी आपको प्रिंट होगा। अभी प्रिंट हो रहा है, ये मैसेज इसमें कितना टाइम लगता है लगभग प्रिंट होने में? 17 सेकंड वन साइड प्रिंट आपका हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इसका तुरंत सूख जाता है ये, कोई ये बिल्कुल के लिए रहते हैं, बिल्कुल तुरंत आप इसको ये देखिए तुरंत इसको यूज कर सकते हैं। कोई इसमें आप देख पा रहे हैं किसी तरह का ये स्कूल आईडी, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसकी कॉस्टिंग सर ने बताई लगभग 10 रुपये नॉर्मल आती है। कम प्रिंट डिज़ाइन है तो कम आएगी, और मार्केट में आप इसके चार्ज देख सकते हैं कितने कर सकते हैं। और दूसरा सर, आप एक मशीन के बारे में और बता रहे थे कि लैमिनेट पता नहीं क्या इसके ऊपर करते हैं, तो वही मॉडल हमारा उस साइड है जो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है, मतलब इसके ऊपर लैमिनेट हो जाएगा? यस, मैं आपको अभी दिखा देता हूं, लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दूसरा मॉडल आप देख पा रहे हैं, ये है, इनके ऊपर लैमिनेशन कर रहे हैं। हाँ, लैमिनेशन हो जाएगा, लैमिनेशन हो जाएगा, जिससे इसकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, फिर भी और एडवांस आप अपने कस्टमर को क्वालिटी देने के लिए उस मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कीमत होगी सर उस मशीन की? और बीच में मैं आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस दिखा देता हूँ ताकि आप कंपनी से संपर्क कर पाएँ। ये हरप्रीत सिंह जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, सारी चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं, आप इन पर विजिट कर सकते हैं। ये हमने इस प्रिंटर प्रिंट किया है, ये आपको लेमिनेशन दिख रहा है, आप ये देख सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा ये मुझे कलरफुल भी दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। एक्चुअली क्या ये लोगो है इसके अंदर। अच्छा, जब हम लेमिनेट करते हैं, आप मल्टी टाइप, एक सिक्योरिटी फीचर है कि आप इसका, अगर आप स्कूल आईडी कार्ड करना क्रिएट करना चाहते हो और उसमें आपको एक सिक्योरिटी फीचर देना चाहते हो कि ये हमारे स्कूल का है या आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस टाइप का हम एक लोगो भी इसमें प्रेजेंट कर देंगे जो कि आपको एक दिखेगा। बिल्कुल, तो इससे आपके जो कार्ड की जो क्वालिटी और लाइफ है द एक्स्ट्रा। ठीक है, उसकी कीमत क्या होगी सर? इसकी 1.5 प्लस जीएसटी है। 1.5 प्लस जीएसटी, 1.5 लाख प्लस जीएसटी। ठीक है सर, अगर आप नंबर बताना चाहे, कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आप नंबर बता सकते हैं। हाँ, तो ये हमारे सेल्स मैनेजर का नंबर आप ये देखिए। इस वीडियो के अंदर हमने आपको बहुत शानदार जानकारी दी, एक छोटी सी कमाल की मशीन जिसके द्वारा आप पीवीसी आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल के आईडी कार्ड, कॉलेज के, इस तरह की तमाम चीज़ें आप इन छोटी मशीनों के द्वारा कर सकते हैं। कोई डाउट रह गए तो इन नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, पूरे पैन इंडिया में इनकी डिलीवरी आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई बिजनेस आइडिया जानकारी के साथ, और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।